वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, राष्ट्र के लिए एकजुट रहने का आह्वान भी करता हूं। अभी इस पर कैबिनेट में जब चर्चा हो जाएगी तब आपसे बोला जाएगा। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया है, ईडी ने जब तलब किया तो कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है एजेंसी का। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ईमानदार होने का एक चोंगा पहना था और वह उतर गया है पूरा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करने वाली देश की पार्टी बन करके रह गई है और उनके मंत्रिपरिषद के जो भी हैं मंत्री एक एक करके वह जेल यात्रा पर हैं और कोई जांच एजेंसी अगर कुछ जांच करती है तो उसका वेलकम सबको करना चाहिए। जो गलत होगा वो डरेगा और जो सही होगा वो जांच का सामना। नहीं, कैबिनेट में जो फैसला होगा कैबिनेट के बाद बताया जाएगा। सर, अखिलेश कह रहे हैं पीडीए में अगड़ा और आदिवासी और महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए, अभी कौन कौन उनके यहाँ शामिल है कौन नहीं शामिल है, जब ईवीएम मशीन खुलेगी 2024 में तो पछतावा होगा। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।